हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पैराग्राफ 10.5 ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। कि स्टूडेंट, इस चैप्टर में अब तक हम ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, यानी अपने बारे में कि हम ब्रीथिंग किस टाइप से करते हैं और ब्रीथिंग में क्या क्या प्रोसेस होती हैं उसके बारे में कुछ एक्टिविटी भी हमने सीखी हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि जो अदर एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो ब्रीथिंग करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, स्नेक्स, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बींग्स। कि स्टूडेंट, ये जो एनिमल्स के नेम दिए गए हैं पैराग्राफ में, इन सभी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स की तरह यानी हमारी तरह ही चेस्ट कैविटी होती है, यानी लंग्स सिस्टम होता है। ये भी हमारी तरह ही ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। बट स्टूडेंट्स, हाउ डू अदर ऑर्गेनाइजम्स ब्रीथ? इसके अलावा और भी बहुत से एनिमल्स हैं, वो किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं? डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेट अस फाइंड आउट। आज उन्हीं का पता लगाएंगे कि वो किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं, उनमें क्या मैकेनिज्म है, क्या उनमें ह्यूमन बींग्स की तरह लंग सिस्टम है या कोई दूसरा सिस्टम है। लेट अस फाइंड आउट। कॉकरोच के बारे में पहले स्टडी करते हैं। ए कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। कि कॉकरोच की बॉडी के दोनों साइड्स पर स्मॉल ओपनिंग, छोटे छिद्र होते हैं जिनकी हेल्प से वो ब्रीथिंग करता है। सो स्टूडेंट्स, कॉकरोच में और इसी टाइप के जो अदर इंसेक्ट हैं उनमें कॉकरोच की बॉडी को देख सकते हैं, जिसे ट्रैचल सिस्टम कहा जाता है। ट्रैचेज यानी स्मॉल ओपनिंग है इसकी बॉडी में दोनों साइड, जिनसे यह ब्रीथिंग करता है। तो इसकी बॉडी में हमारी तरह लंग सिस्टम नहीं होता। बूजो भी जानना चाह रहा है। बूजो वांट्स टू नो इफ कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवर्म्स, आंट एंड मॉस्किटोज आल्सो हैव लंग्स। बूजो भी इसी बारे में जानना चाहता है कि क्या उनकी बॉडी में लंग्स होते हैं। नो स्टैंड, कॉकरोच की बॉडी में लंग्स नहीं होते। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पिकल्स। फिगर 10.9 में हम देख सकते हैं, इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैचीज। कि उन स्मॉल ओपनिंग्स को स्पिकल्स कहा गया है, और जो नेटवर्क है, पूरा जो सिस्टम है, जैसे हमारा जो पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और जो जिनकी हेल्प से हम नोस्ट्रिल की हेल्प से जो हम ब्रीथिंग करते हैं, लेकिन कॉकरोच में वो स्मॉल ओपनिंग स्पिकल्स कहलाती हैं, और जो सिस्टम है वो ट्रैचेज सिस्टम कहलाता है फॉर गैस एक्सचेंज। कि लंग्स की बजाय ट्रैचेज सिस्टम होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रसिज थ्रो स्पिकल्स। कि स्पिकल्स में से ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को खींच लेते हैं इन टू द ट्रैचियल ट्यूब। ट्रैचियल ट्यूब यानी कि ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ट्रैचियल, उसमें से खींच लेते हैं। जैसे हमारे लंग्स कैसे खींचते हैं, विंड पाइप में से, ऐसे ही सेम। डिफ्यूज इन टू द बॉडी टिश्यू एंड रिच इज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और उनकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसे ऑक्सीजन रिच एयर को डिफ्यूज कर लेंगे और बॉडी के सभी सेल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इन टू द ट्रैचियल ट्यूब्स एंड मूव आउट थ्रू स्पिकल्स। तो उनकी बॉडी में स्टूडेंट जो स्पिकल्स हैं वो लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैचीज आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये स्टूडेंट ट्रैचेज जो सिस्टम है वो केवल इंसेक्ट्स में, जैसे कॉकरोच है या इसी टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ये ट्रैचेज सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल स्टूडेंट अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। कि क्लास 6 में भी हमने चैप्टर 9 में स्टडी किया था कि जो अर्थवर्म है वो अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं।
द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म्स फील्स मोस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग, कि उनकी स्किन अर्थवर्म की जो स्किन है मोस्ट यानी कि स्लिमी सी चिकनी दिखाई देती है। गैसेज कैन ईजली पासिस थ्रू दैम, और उनकी जो स्किन है वो इस टाइप की, उसमें से गैसेज ईजली पास हो जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो फ्रॉग्स हैं, दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, तो फ्रॉग ऐसे हैं स्टूडेंट जिनमें ह्यूमन बींग्स की तरह लंग सिस्टम होता है। दे कैन ऑल्सो ब्रैथ थ्रू देयर स्किन, वो अपनी स्किन के हेल्प से भी ब्रैथिंग कर लेते हैं। तो दोनों तरह के सिस्टम हो गए, विच इज मोस्ट एंड स्लिपरी, कि उनकी स्किन भी मोस्ट एंड स्लिपरी होती है। सो स्टूडेंट इस पेज पर हमने कॉकरोच के बारे में सीखा, आपने इन एनिमल्स के नेम लर्न कर लेने हैं कि इन एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स की तरह ब्रैथिंग सिस्टम होता है, कॉकरोच में ट्रैचुअल सिस्टम है, अर्थवर्म अपनी स्किन की हेल्प से ब्रैथिंग करता है, और फ्रॉग में लंग सिस्टम भी है और स्किन की हेल्प से भी ब्रैथिंग करता है। तो जिस जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जाती हैं स्टूडेंट, आपको उन्हें अच्छे से लर्न कर लेना चाहिए। पैराग्राफ 10.6 से ब्रैथिंग अंडर वाटर, कि वाटर के अंदर किस तरह से ब्रैथिंग होता है, क्योंकि जो फिश हैं वो वाटर में रहती हैं। कैन वी ब्रैथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम वाटर में रह सकते हैं स्टूडेंट? नो, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ब्रैथिंग सिस्टम वो वाटर में रहने योग्य नहीं है। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजम्स विच लाइव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रैथ अंडर वाटर, जबकि स्टूडेंट बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजम हैं जो वाटर में रहते हैं तो वो किस तरह से ब्रैथिंग करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प दैम यूज ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर। क्लासिक्स में भी स्टडी किया था स्टूडेंट, फिश का जो फिश के गले में थ्रोट में जो गिल्स सिस्टम होता है वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्ड है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रैथिंग, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फिगर 10.10 फॉर एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, कि गिल्स स्टूडेंट उनके ब्रैथिंग में उनकी हेल्प करते हैं। किस तरह से? ब्लड वेसल के साथ अटैच होते हैं गिल्स, जिन्हें हम फिगर 10.10 में फिश को देख सकते हैं, ब्रैथिंग ऑर्गन इन फिश। ये गिल सिस्टम होता है स्टूडेंट फिश के गले में, इन गिल्स की हेल्प से फिश ब्रैथिंग प्रोसेस कर पाती है। ऊपर बूजो कुछ बता रहा है स्टूडेंट, बूजो हैज सीन इन टेलीविजन प्रोग्राम दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन ऑफन कम अप टू वाटर सरफेस, कि जो व्हेल्स हैं डॉल्फिन्स हैं वो उसने देखी टीवी प्रोग्राम में कि वो वाटर की सरफेस पर आती हैं। दे इवन रिलीज ए फाउंटेन ऑफ वाटर समटाइम्स, और कई बार वाटर का पूरा एक फवारा छोड़ती हैं, फाउंटेन छोड़ती हैं। While moving upward, जब ऊपर की तरफ आ रही हैं, why do they do so, कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं, व्हेल और डॉल्फिन वाटर सरफेस पे क्यों आती हैं, क्यों वो इस तरह की एक्टिविटी करती हैं? तो इसका क्या आंसर हो सकता है स्टूडेंट, जो व्हेल हैं डॉल्फिन हैं उनकी बॉडी में गिल सिस्टम नहीं होता, तो उनकी बॉडी में जो नोस्ट्रिल सिस्टम है वही है, तो नोस्ट्रिल की हेल्प से वो ब्रैथिंग करती हैं, इसीलिए वो वाटर की सरफेस पे आती हैं और एक बार में इतनी ज़्यादा एयर अपनी बॉडी में ले जाती हैं कि काफ़ी टाइम तक वो वाटर के अंदर रह पाती हैं। तो जब वो वाटर सरफेस पे आती हैं तो गैसेज को एक्सचेंज करती हैं, जो उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी होती है उसको वो जो बाहर निकालती हैं, तो वाटर का जो फाउंटेन है वो भी साथ में बाहर आता है। सो स्टूडेंट्स ये था फिश के बारे में, डॉल्फिन और व्हेल के बारे में। नेक्स्ट टाइम में स्टडी करेंगे पैराग्राफ 10.7, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, कि क्या प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं। इस पैराग्राफ को आप एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा समझ पाओ। आज जो हमने स्टडी किया है स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है आपको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।